एवरीवन, वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया, घर पर आ चुके हैं सानू, मिठू, उनके मम्मी पापा, और जो भी चल रहा था, जो जो एक्टिविटीज़ वगैरह, वो हर एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उस टाइम पे। बाकी रात के लिए क्या प्रोग्राम है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल भाई हमारे पड़ोसी आ चुके हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये देखिए, ये आ गए भाई हमारे पड़ोसी यहाँ पे, और हमारी बेटी खेल रही है शानवी के साथ यहाँ पे, कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं। तो भाई ज्यादा भी देखना मोबाइल, ठीक है। और साइड अंदर को भी चला हुआ है प्रोग्राम। तो ये अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और घर पर चला हुआ है कुछ इस तरह से प्रोग्राम। तो ये औजार हैं और ये कद्दू पेठू हैं, इसका खट्टा बनेगा कद्दू का, और हमारे मंडियाली धाम में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये देखिए कद्दू का से, मतलब जो कद्दू का से ग्राइंड करते हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप सभी लोग भी, हालांकि मतलब फर्स्ट टाइम तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कई जगह पे करते हैं इस तरह से। और ये जो छिलका वगैरह है ये भी यूज में आ सकता है कुछ इस तरह का, देखिए बहुत नरम है, हार्ड जरा भी नहीं है, बिल्कुल नरम। पकौड़े बनते हैं, सब्जी बनती है, बहुत ही कर्जा मिलती है, का बहुत बड़ा साधन है, बहुत ही अच्छी वो है सेहत के लिए। तो ये तो कद्दूकस से छिल रहे हैं, बाकी जो हमारे दादू साहब हैं ये बेल्ला बोलते हैं इसको, बेल्लू हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो इसी तरह से कुछ लोग यूज़ करते हैं, और हालांकि जो नए युवा पीढ़ी है वो कम शम ही अब इन चीज़ों पे निर्भर रही है। बाकी ये वाला जो रूम है वो हमने पूरा पूरा खाली कर दिया है अबाउट गणपति जी का ये पोस्टर, और खाली इसलिए किया हुआ क्योंकि पूरा पूरा पूजा पाठ वगैरह इसी रूम में होगा हमारा। और ये देखिए दूल्हे की ये तलवार है, और ये आई डोंट नो, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है, नारियल का है ये, बाकी पता नहीं, और भी कुछ बोला जाता है पंजाब वगैरह साइड में। तो इसके साथ तलवार के साथ इसको जरूर, मतलब अच्छा नरेल कटार। और ये कुछ आलू हैं, ये हमने छील दिए थे, काट भी दिए थे और सुखा भी दिए हैं, अब इनकी तलाई होगी और इनका बनेगा मद्रा। सब्जियां वगैरह काटने में कद्दू पेठू जैसे आप लोगों को बताया, उसी तरह से और भी जो जो सब्जियां हैं उनको, उनकी भी काट छाट चली हुई है। और कल आने वाले हैं जो कुक जो बनाएंगे हमारी हिमाचली धाम को, तो उनको हैंडओवर कर देंगे हम हर एक चीज़। तो उससे पहले ही हमारी यहाँ पर तैयारियाँ चल पड़ी हैं, कद्दू पेठू का काम चला हुआ, और साथ के साथ और भी बताता हूँ और क्या चला हुआ है। तो अभी हो रहा है टाइम रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि और क्या क्या चल रहा है घर पर। तो यहाँ पर भाई पूरा जगह नींद आ रही है, और बैठे हुए हैं आप यहाँ पर, और ये दूल्हे राजा भी यहाँ पर चल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ तैयारियाँ। और ये देखिए यहाँ पे चला हुआ है मेहंदी वगैरह का प्रोग्राम। ये बैठे हुए है भाई हमारी नानी जी, तो नानी जी इससे तो आपकी हमने भेंट करवा ली है अच्छे से। तो नानी जी शादी लगी गई, आज से शुरू है। हाँ आज से शुरू है शादी। और यहाँ पर सानवी का नंबर पड़ गया है भाई पहले। तो दीप्ति रानी हाय हेलो कर दो सबसे पहले तो इस साइड देख के हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो ये मेहंदी लगाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, ये यहाँ पर एक डेमो में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सानवी की मेहंदी लग गई है, और कुछ इस तरह का डिजाइन है यहाँ पे। और भाई बड़ी बहन के हाथों में तो भाई सोना ही सोना दिख रहा है, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, शादी में लगा दो आंधी आंधी, सोना चांदी। और साथ ही साथ जो आंधी तूफान वाला मौसम है चेंज हो गया, अब मौसम साफ सुथरा है, बढ़िया है, तो ये एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए। और ये देखिए ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी हैं, ये भी यहाँ पे घुड़ियां वगैरह गा रहे हैं और वाणी सुन रही है इनको ध्यान से। हाथ उल्टे करो
ठीक है चल गया मम्मा चल जाए बाय जान दे मम्मा कदन बाय दिखाओ दिखाओ जरा बड़ी बहन की मेहंदी दिखाओ मैं दीप्ति आपने मेहंदी थोड़ा अच्छे से निकाली है यूट्यूब पे चलेगी बन पीछे बन पीछे मैम बताओ क्या करेगी इसको दो चार डंडे मारेगी बोलेगी मैम दिखल गई बच गए बच गए लगाई मेहंदी इसको बेकार कर रहा हूँ बस 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 एक मिनट और इकट्ठे हैं एक क्या मतलब 10-20 सेकंड और दो मैं को लगाता हूँ देखो कौन आ रहा है तेरे पास कौन है बड़ी इधर देखो चलो